है, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अंदर को साथ है भाई, जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इब्रार और आज हम करने लगे हैं व्लॉग। और इसका व्लॉग की डायरेक्शन किधर जानी है, क्या जानी है, कुछ नहीं पता, क्योंकि आज हमने जाना है रावलपिंडी। और रावलपिंडी के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए होता है। और अभी टाइम जो हो रहा है 3:30 हो रहे हैं और ये हाथ भी मेरा जल गया काफ़ी बुरी तरह। अच्छा, अभी इसको सिर्फ पानी फिरवाना है क्योंकि बारिश हुई थी 3 दिन से हो रही मुसलसल, वो भी रातों को। अभी इसको वॉश करवाता हूँ फिर लेके जाते हैं बाइक को, क्योंकि मेरे से गंदा बाइक नहीं चलता और हाथ जला हुआ, वरना मैं कपड़े से इसको साफ़ कर लेता। सिर्फ पानी फिरवा देते हैं। अभी हमारे साथ रहिएगा और इन्जॉय करिए ब्लॉग को। इस मैं आपको बता रहा था सिरेमिक कराने का फ़ायदा, और इस पर मिट्टी कितनी थी शायद आपको वीडियो में दिख गई हो पहले, और अभी देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा। अभी मैं खुद ही कपड़ा मारूंगा, ये निकम्मों से कपड़ा बचता नहीं है। और फिर उसके बाद निकलते हैं, पता नहीं आज क्या बनेगा, आज दिल बड़ा परेशान है अपना। आप में से कई लोग होंगे तपेंगे ये दोबारा ले आए वीडियो बाइक की, बस करते हैवी बाइक नहीं है बस करते, लेकिन बहू फिर भी चढ़ाऊंगा जो पटना है पट लो। बॉयज़ अभी हम पिंडी पहुंच गए हैं और पिंडी में अपना ही एक शुगल होता है, और पिंडी में इंजॉयमेंट अलग ही है। खाना पीना पिंडी, कारोबार करना है पिंडी, कुछ भी ख़रीदना है यहाँ पर आओ आपको सब कुछ मिलेगा। तो वही आप इस्लामाबाद चले जाओ, बाकी छिल उतार के आपके हाथ में देंगे भाई, बहुत महंगाई होती है वहाँ पे। और पिंडी का रश लाहौर जैसा ही है, और लेकिन कुछ हद तक कम है। लेकिन अभी आप वहाँ पे ट्रैफिक देखें, आपको शायद वाइड एंगल पे इतना ना दिखे, लेकिन बिल्कुल रोड जैम है। और वीडियो पोस्ट की थी 2 दिन पहले, वो थी सुजुकी पिकअप की। यार आप लोगों ने क्या पसंद की है उसको, बेशक व्यूज़ कम है लेकिन जो रिस्पांस आया ना वो कमाल ही हो गया। मैं यही सोच के रानू के आजकल यही कंटेंट देखा जा रहा है, हाँ जी किसी की बस ले लो ठीक है, शुगर मिले में सही उसकी मीठी मीठी करो, तो यही चलता है आजकल। और मैंने वो बनाई, यकीन करें मैं उस टाइम ना बड़ा सीरियस होकर बोली थी ये चीज़ें, मैं कहा यार दुख हुआ मुझे कि 10 लाख रुपये में हमें क्या मिल रहा है। ये अब ये जो रक्षा आ रहा है ना, ये 2.5-3 लाख रुपए का, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू की लेके जा रहा है। तो ये हालात है, 2.5-3 लाख रुपए में अगर आप इंडिया में हो तो आपको 3 लाख रुपए में गाड़ी मिल जाती है, और यहाँ पे लोडर रक्षा मिल रहा है। और आई गेस के 200 cc तक तो होगा, होना चाहिए इतना, क्योंकि इतना लोड भी तो खींचता है। हमेशा अपना एक लेवल क्रिएट करती हैं, और जैसा कि अंदर बाबा जी बैठे थे ज़बरदस्त अप्रिशिएट है यार। और ये डीजे वाले बाबू किधर जा रहे हैं, डीजे वाले बाबू इधर गाना चला दो। एक ना बड़े बाइक का बड़ा इंतज़ार है हर किसी को, वो है होंडा 125, अभी तक नया स्टिकर के साथ लॉन्च नहीं हुआ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, 1,47,500 रुपये में आप वो बाइक ख़रीदेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब उसकी वो सेल रहेगी, क्योंकि यार बहुत महंगा हो गया है शदीद अला। चलो इस बाइक की समझ तो आती है, इसमें आपको चीज़ें भी तो मिल रही हैं ना, खूबसूरत मीटर है, फ्यूल गेज है, कलर प्यारा है, और 100 पर हो जितना भी जाता है मैक्स स्पीड पे, लेकिन स्टेबल रहता है ठीक है, और कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल लेवल बहुत अच्छा है इसका। और 125 को आप हल्का ना लें, ये 125 cc है, ये भी इतना भी हल्का ना लें, बहुत ज़बरदस्त पावर क्रिएट करता है। और जो लोग कहते हैं ना ये 80 कम है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, अल्लाह ना करे कभी आप 80 की स्पीड से भी गिरे ना, आपको बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो कभी भी स्पीड को अंडर एस्टिमेट ना लें,
और जो स्पीड लिखी होती है ज़रूरी नहीं है कि वही मारनी है आपको। मोटरवे पे 100-120 की लिमिट दी हुई है, तो आप खुद सोचें आप नॉर्मल बाइक के ऊपर 100-120 पे चलाएं तो क्या हालत होगी। मोटरवे पे भी इसलिए बाइक बैन है क्योंकि ये जाते ही मैक्स इतने पे हैं, और वहाँ पे जो मिनिमम स्पीड जो मतलब कि उन्होंने लिमिट दी है ना वो दी है 100, और गाड़ियाँ उससे ऊपर भी जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर फर्स्ट लेन भी होती है, तो इसलिए इन बाइकों को अलाउ ही नहीं है उधर। 600 cc से ऊपर जितने बाइक हैं वो अलाउ हैं, लेकिन वो भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ लिमिट्स लगा के अलाउ किए होते हैं। तो ये सीन है, साथ साथ बातें शेयर करता जाता हूँ यार, सफ़र भी आसान हो, बातें करूँ, रश का पता भी ना लगे, इसलिए आपसे बातें कर रहा हूँ। और वी आर फैमिली, और फैमिली के साथ बैठना अच्छा लगता है। तो ये सीन है, बात कहाँ से कहाँ ले गया, बाइक वो मेरे ख्याल से इतना नहीं बिकेगा, लेकिन पाकिस्तानी वाम बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, बहुत बड़ी। अभी भी वो पता नहीं 17-17.5 लाख रुपए की आल्टो खरीद रही है, और पिकांटो नाम है मेरे ख्याल से किया गई, वो कभी 20+ की है वो मेरे ख्याल से, मुझे उसको एग्जैक्ट रेट नहीं पता, लेकिन इतनी महंगी है कि कौन खरीदेगा उस कूजे को। और अभी हम पहुँच गए हैं डीलर पे, डीलरशिप पे, सॉरी डीलर कह रहा हूँ, और जाके चेक करवाते हैं बाइक। तो वीडियो तभी इसका प्लग ओपन किया और प्लग बिल्कुल रेड है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में फोकस नहीं हुआ, लेकिन ये बिल्कुल रेड है, और प्लग मतलब अपना फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल सही दे रहा है, ये देखिए जी प्लग खोला हुआ। और अब देखते हैं आगे ये क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्लग खोला। व्यूअर्स अगर जिस तरह के आप देख रहे हैं ये ना टैपेट लूज है, और ये बिल्कुल ना इसके अंदर फिरनी नहीं चाहिए, ऐसा ही है जी, नॉर्मल आनी चाहिए, प्लेन ही आनी चाहिए ना। ये देखें ये एडजस्टिंग हो रही है। अच्छा, ये ऊपर एक टूल भी रख रहे हैं, छोटी है, हो गया, टूल दिखाना ये वाला, अरे गोटी टाइप है, बस ठीक है।
उसके फिर सभी बाइक ट्यूनिंग हो गई है और ये की फंसी थी, मैंने कहा यार ये भी सेट करवाएं, इसे ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और ये भी ना स्विच, ये एक जगह अड़ ही जाता है, ये अड़ गया, ये बारिश में खड़ा रहना उसकी वजह से। जी व्यूअर्स, अभी बाइक हो गया हमारा माशाल्लाह ट्यूनअप और पूरा दिन इस पे लग गया, और कुछ करने को रहा ही नहीं। बाइक चलाने में जो फील आ रही है ना, काफ़ी स्मूथ, और एक नॉइज़ आती थी किट 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 की, वो भी ख़त्म हो गई है। ये देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और बकाया जो छोटी मोटी चीज़ें थी जिसमें की अड़ जाती थी, उसके बाद ये इंडिकेटर में प्रॉब्लम आ गई थी, कल बारिश में खड़ा रहा बाइक तो इसका इंडिकेटर ही जाम हो गया, इसे इंडिकेटर देते थे ना वापस नहीं जाता था, लेकिन अब वो भी सही करवा लिया है, सारा कुछ कर दिया है ए टू जी। ये ट्यूनिंग में ये चीज़ें होती हैं कि आपको ए टू जी चेक किया जाता है। अब मैं इस पिंडी के रैक से निकलूँगा तो जाऊँगा, आज सोचा था काफ़ी सुल्तान का कूप भी जाऊँगा, आप लोगों को थोड़ा सा माल शाल भी दिखा देने यहाँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। कल के वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको सुल्तान के कूप का विज़िट करवाएँगे, और अभी यहाँ से बस निकलूँ मैं। वेरी लाइट वेट, बाकी बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया है बाइक को चला के, और एक वो जो पैरों में वाइब्रेशन फील होती थी वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा कम हुई हुई है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, मैंने काफ़ी लोगों को बेहतर गाइड किया, और जहाँ तक मेरा बनता है मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अंदर को साथ है भाई, बेवकूफ़ है। ये हालत है देखें, बगैरती की कोई इंतहा होती है, बंदा गैप दे के चलाए के अंदर तो सागे रख दिए। कम से कम इतना गैप होना चाहिए बाइक में, गाड़ी के अंदर है तो आपके पास कम से कम 1.5 से 2 मीटर का गैप होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगली गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको मुड़ने का गैप तो मिले ना इजीली। एक दूसरे के मुंह के ऊपर चढ़ के क्या फ़ायदा आप लोगों का। मुझे बहुत ज़्यादा तब चढ़ती है यार इस तरह जो जोड़ जोड़ के बाइक चलाते हैं, पीछे से आ रहा है लुगड़ की तरह। मैं पीछे से बाइक भगाता हुआ लाया, जा के मारी है सीधा मेरे टायर और बम्पर मड़गढ़ पे। अब देखते हैं, पता नहीं मड़गढ़ बच गया हो, मैं रश की वजह से रुका नहीं, रुक के देखते हैं क्या सीन है, अल्लाह करे बचत होगी हो, नहीं तो फिर 3-4 हज़ार रुपये का इसका मेरे ख्याल से खाली सिर्फ वो मड़गढ़ ही है। चलान काटो काटो। तो व्यूअर्स यही थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, इस मज़ा भी आता है ना यार दिखाने का कि हम काम कैसे करा रहे हैं, हमने मैकेनिकल वर्क दिखाना है, ठीक है, हमने ये तो नहीं देखना ना तुम्हें पसंद आएगी या तुझसे पसंद आएगी, हमारे जो पसंद करने वाले हैं वो तो देख रहे हैं ना, जैसे कि आप हैं। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख ली है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हाँ जी हम लास्ट व्यूअर्स हैं, लास्ट वाले। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, आज के लिए तरह अल्लाह हाफिज़।